डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि जिस प्रकार के कमेंट मुझे मिलेंगे उसी तरह का मैं मैथ का वीडियो आप लोगों को देता जाऊँगा। तो मुझे जिस प्रकार का कमेंट मिला है उसमें एक्सरसाइज 39 का वीडियो मांगा गया है। तो ये चैप्टर 7 का है और ये क्लास 5 का मैथ है। और क्लास ये चैप्टर 7 में डेसिमल्स चैप्टर है। डेसिमल्स तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए डेसिमल के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, तो हम लोग इसको आसानी से बना सकेंगे और समझ भी सकेंगे। तो आइए पहले हम लोग डेसिमल के बारे में जानते हैं। मेरे पास एक बचा हुआ छोटा पेपर है, इसे मैं बना के कुछ आप लोगों को दिखलाता हूँ। एक्चुअली डेसिमल को जानने के लिए हम लोग के पास जब कोई फ्रैक्शन होता है, सपोज फ्रैक्शन ये 2/10 हो गया या फिर 5/100 हो गया या 8/1000 हो गया, इस तरह का जब हम लोग के पास फ्रैक्शन होता है तो इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको 10 से 2 को डिवाइड करते हैं। तो 10 से अगर डिवाइड करते हैं 2 को तो फिर ये हो गया 2। इसको लिखें 2 में, अब जो है हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग 0 पॉइंट, ये पॉइंट लगाएं, डेसिमल इसको बोलते हैं, पॉइंट को ही डेसिमल बोला जाता है। तो पॉइंट लगाएं तो यहाँ पे एक 0 आ गया। उसके बाद हम 2 लिखेंगे तो ये 10 2 20 हो गया और इस तरह से ये कट गया, ये 0.2 आ गया। इसके लिए 2/10 के लिए 0.2 आ गया। तो इसी तरह से इसका जो है 0.05 हो जाएगा, इसका 0.008 हो जाएगा। मतलब जितना 0 है तो इसके पहले जो है जैसे 3 0 हो गया तो इसको मिला के डेसिमल के बाद तीसरा नंबर में ये आएगा। जैसे 3 0 है तो ये तीसरा नंबर में हो गया, ये 2 0 है तो यहाँ दूसरा नंबर में 5 हो गया, ये 1 0 है तो फर्स्ट नंबर में ही 2 आ गया। तो डेसिमल का मतलब होता है कि 1/10, दसवां भाग, ये हो गया 10th भाग, हो गया 2 का दसवां भाग हो गया, और ये 5 का 100th भाग 100th हो गया, और ये 8 का 1000th। तो 10 जो होता है 2/10, तो इसको लिखा जाता है 2/10, ये हो गया आपका 10th, ये हो गया 2/10। अब इसको अगर लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, 5/500th, ये हो गया 500th। और अगर इसका लिखना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, 8 ये होल नंबर हो गया तो 8 लिखेंगे 8। उसके बाद इतना 1000 भाग में बट गया है ये, तो 8000th, थाउजेंड्स, ये हो गया। इस तरह से ये काम करता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो इसमें इसको जानने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बुक में किस प्रकार से दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, इसी तरह से और भी चलते रहेगा। तो डेसिमल फ्रैक्शन इस तरह से बनता है का, व्हेन वी राइट देम यूजिंग डेसिमल पॉइंट, इस तरह से हम लोग डेसिमल बैठाते हैं। ये पॉइंट के बाद 1 है तो ये 10th में आ गया, 2 इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो ये 100th में, और फिर 3 नंबर अगर आता है तो ये 1000th में। दे आर कॉल्ड डेसिमल नंबर और सिंपली डेसिमल्स। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल बना के समझाया गया है, तो आप लोगों को विशेष समझ में नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को जैसे जैसे बनाकर दिखाता हूँ वैसे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, मतलब इसको पॉइंट में लिखना है, 4/10 लिखना है। तो इसको पॉइंट में हम लोग करने के लिए ये हो गया 4/10 हो गया, अब ये पॉइंट में नहीं हुआ है, इसको पॉइंट में करने के लिए 0.4 ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बतलाया इसको हम डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 700th ये हो गया आपका 7 और ये 100, तो 700th हो गया। तो इसको पॉइंट में लिखने के लिए तो 0.07, तो 20 इसमें दिया हुआ है तो पॉइंट के बाद दूसरा नंबर पे 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद 1200th ये आपका 12, ये हो गया 12
और ये हो गया 100, तो इसको 0.12 ये आ जाएगा, क्योंकि दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दो आ रहा है। और 5000 मतलब ये 5 और ये 1000, 5/1000 हो गया, तो इसका पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.005, क्योंकि यहाँ पे तीन जीरो है 1 2 3, तो ये तीसरा नंबर पे आ गया 5000, 0.005, ये 110 हो गया और ये 1000, तो 1 2 3 हो गया, तो पॉइंट के बाद तीन होना चाहिए, तो ये तीन तो है ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है, और ये हो गया 0.110, तो तीन तो है इसमें और ये तीन जीरो है, मतलब ये आंसर इसका हो जाएगा 12 and 5 हंड्रेड्स, तो 12 ये हो गया 12 and 5 हंड्रेड्स, तो ये 100 हो गया, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1200 हो गया, 1200 और ये प्लस, तो 1205/100, तो ये दो जीरो है, तो यहाँ पे एक दो, दो जीरो के बाद पॉइंट, मतलब 12.05 ये आंसर हो जाएगा इसका। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसमें भी डेसिमल में चेंज करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ था और अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसको डेसिमल में चेंज करना है पॉइंट में, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे 10 लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद 0.5 ये हो गया। जैसे कि आप लोगों को बताएं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 10 हो गया और इसको डिवाइड करेंगे 5, तो यहाँ पे ये छोटा है इसीलिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए क्या करेंगे 0., तो यहाँ एक जीरो आ गया, तो 10 5 जा 50 ये हो गया, 50 खत्म हो गया, 0.5 इस तरह से ये हो गया। इस तरह से सबको करेंगे तो यही आएगा, तो सबको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उतना खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे 100 है तो 0 पॉइंट के बाद दो नंबर होना चाहिए, तो 0.45 दो नंबर तो हो ही रहा है यहाँ पे, 1 2 ये इसका आंसर हो गया, ये आंसर ये हो गया, और यहाँ पे 9 पॉइंट नहीं ये हो गया 0.09, पॉइंट के बाद दो नंबर चाहिए तो दो नंबर हो गया, और डी नंबर में पॉइंट के बाद तीन चाहिए क्योंकि तीन जीरो है, तो 0.057 ये हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन नंबर चाहिए तो 0.135 तीन नंबर तो है ही यहाँ पे, ये हो गया इसका आंसर। और एफ नंबर में 2 and 3/10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 10 2 जा 20 और ये 3 23 23/10, तो यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 है, तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, मतलब 2.3 ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे 71 and 11/100, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 71 पे 00 आ जाएगा प्लस 11 कितना हो गया 11 और 17 7111 और ये नीचे में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7111/100, तो दो जीरो है तो इधर से हम लोग गिनेंगे 1 2, दो के बाद पॉइंट 71.11 इसका आंसर ये हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। और इसको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस, तो यहाँ पे 5 को अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो तीन जीरो इस पे आके बैठ जाएगा, 5000 प्लस 16 करते हैं प्लस 16 तो क्या हो जाएगा 5016 6105, तो हो गया 5016/1000, यहाँ पे 1000 है, ये 1000 हो गया, 1 2 3 3 0 है, 1 2 3 3 के बाद पॉइंट, मतलब 5.016 ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हैं और इसमें क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे ये पॉइंट में नंबर दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है और इसको फ्रैक्शन बनाना है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए बहुत ही आसान है, क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पॉइंट है 0.6, तो हम लोगों को 6 लिखना है, ये 6 जो नंबर दिया हुआ है ये 6 लिखना है, और पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना इसमें उसके बाद कितना नंबर है, तो एक ठो नंबर है पॉइंट के बाद,
तो हम लोग पहले वन लगाएंगे, मान के चलिए कि ये पॉइंट वन बन गया, और पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उतना आपको जीरो लगा देना है, ये बन गया। और इस तरह से फिर यहाँ पे 19 नंबर हम लिख देते हैं यहाँ 19, और ये बाय लगा दिए, और फिर पॉइंट जो है वो वन बन गया, और इसके बाद दो नंबर है तो दो जीरो लगा दिए, हो गया। और इसके बाद यहाँ पे नंबर सेवन है तो सेवन लिख दिए और बाय लगा दिए। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट बन गया वन, और पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो जीरो, हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे ठीक वैसा ही करना है, यहाँ पे हम 51 लिख देते हैं, बाय लगा दिए, ये पॉइंट बन गया वन, और इसके बाद दो नंबर है तो दो जीरो, और यहाँ पे 149 उसके बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद तीन नंबर है तो वन लगाने के बाद तीन जीरो, ये हो गया थ्री नंबर कंप्लीट। अब हम लोग फोर नंबर को देखते हैं, और फोर नंबर क्या कह रहा है, राइट इन वर्ड्स द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो दिया हुआ है इसको हम लोगों को वर्ड्स में लिखना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.4, तो सबसे नॉर्मल ये पढ़ा जाता है 0. इस तरह से बोल के पढ़ा जाता है, तो आप वैसे लिख सकते हैं और ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं 0.4, ये हो गया 0.4, ये हो गया। अब यहाँ पे 0.05 ये हो गया। उसके बाद सी नंबर में 1.29 हम लोग नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद 29 पढ़ा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि पॉइंट के बाद 29 पढ़ा जाता है, 29 नहीं लिखा जाता, मतलब 29 पढ़ा नहीं जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 29 NINE 9। इसके बाद 12.73 ये हो गया। उसके बाद 4.059, तो इसको भी वैसे ही लिखते हैं 4.059, ये हो गया कंप्लीट। और फाइव नंबर में लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, ये फाइव नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, राइट इन डेसिमल्स। इसको डेसिमल्स में लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब पॉइंट में लिखने के लिए बोल रहा है, दशमलव में, डेसिमल मतलब पॉइंट, वही होता है, मतलब जो फोर नंबर में हम लोगों को ये दिया हुआ था इसके जैसा बनाना है, तो यहाँ लिखा 500th, मतलब क्या हो जाएगा ये इस प्रकार से होगा, अगर हम लिखते हैं इसको तो 500th, ये हो गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में, इसको डेसिमल में लिखना है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा 0.05, ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये दो जीरो है तो पॉइंट के बाद ये दूसरा नंबर में रहना चाहिए 0.5, पॉइंट के बाद अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ऐसे चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 0.19, तो इसको आसान है 0.19, हो गया 9.45, ये भी बहुत आसान है 9.45, 18.015, तो ये 18.015, हो गया 8.006, तो 8.006 कंप्लीट हो गया। 4 and 35,000, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 4, ये हो गया 4 and 35, तो 35, और ये हो गया थाउजेंड्स, ये 1000, ये हो गया। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, सपोज 4 मेरे पास नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.035, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद ये तीन जीरो है तो तीन नंबर आना चाहिए, तो तीन नंबर आ गया, तो मतलब अब 4 हम लगा देंगे इसको, ये 4.035, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करेंगे, इसका उपाय ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4000, यहाँ पे 4000 हो गया, इसको इस तरह से करना है 4 into 1000 plus 35, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4035, ये आ जाएगा 4035,
और ये जो 1000 है, अब इसको यहाँ पे ये कर देते हैं, 1000 हो गया। तो 1 2 3 3 0 है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में गिनते हैं 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट दे देते हैं, मतलब ये फिर घुमा के वही आ जाएगा 4.035। ऐसे भी और ऐसे भी प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है आप जानते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में है, रीड द नंबर्स फ्रॉम द अबाकस। तो अबाकस का इसमें पिक्चर दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे पिक्चर बनाने में दिक्कत होगा। मैं बुक में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बुक को रखता हूँ और इसके बाद इसको बनाता हूँ। इस पेज को मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, अब ये हो गया पेपर। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये ए नंबर का जो पिक्चर है, तो मैं इसको ए लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये हंड्रेड्स दिया हुआ है, ये टेंथ्स दिया हुआ है, ये पॉइंट के इधर हो गया और ये पॉइंट के इधर हो गया। वंस टेंस हंड्रेड्स, हम लोग वंस टेंस हंड्रेड्स पढ़ते हैं, तो वो होल नंबर होता है और पॉइंट के इधर जो होता है राइट साइड में, पॉइंट के बाद जो होता है वो टेंथ्स कहलाता है, हंड्रेड्स कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट में कितना है, हंड्रेड में 4 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 और यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिए। और फिर यहाँ पे वंस में 3, अब हम लोग पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे टेंथ्स में 1 है और यहाँ पे हंड्रेड्स में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो रीड द नंबर फ्रॉम द अबाकस, तो इसमें रीड करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करने के लिए इसको वर्ड में लिख देते हैं। तो 400 23.12, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब बी नंबर में हम लोग देखते हैं, बी नंबर का जो पिक्चर दिया हुआ है, बी नंबर में क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट में टेंस से दिया हुआ है और वंस इसमें, तो टेंस पे 2 दिया हुआ है, 2 लिखते हैं और वंस पे 23 हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब टेंथ्स पे कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और हंड्रेड्स पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 हो गया और थाउजेंथ पे 2, तो ये 2 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 23.032, ये हो गया। इस तरह से 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर में क्या बोल रहा है, अब हम लोग बुक को साइड कर देते हैं। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का ए, तो 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। राइट द नंबर विच हैज, नंबर लिखना है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, 2 टेंस, 3 हंड्रेड्स, 1 टेंथ्स एंड 3 वंस। तो इस नंबर को लिखने में हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको हम लोग लिखने के लिए आसानी से कैसे लिखेंगे, जो वंस है टेंथ, सबसे ज़्यादा कितना नंबर है इसमें, हंड्रेड्स लिख दिया हुआ है, टेंथ्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट के बाद का नंबर है और पॉइंट के पहले का नंबर वंस टेंथ्स, तो टेंथ्स दिया हुआ है, तो टेंथ्स से लिखेंगे 2 टेंथ्स। 2 टेंथ्स इसका मतलब हो गया 2 और वंस 3, यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर पॉइंट दे दिए। और टेंथ्स दिया हुआ है, हंड्रेड्स दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, टेंथ्स पहले टेंथ्स लिखा जाता है तो 1 हो गया और हंड्रेड्स 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से मैं दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। 2 टेंथ्स मतलब ये हो गया 2 टेंथ्स इंटू 10, ये हो गया 3 हंड्रेड्स। तो इसके लिए हम लोगों को ये लेना पड़ेगा, हंड्रेड्स मतलब तीसरे नंबर पे है, तो इसको हंड्रेड दूसरे नंबर, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर, 0.03 प्लस, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 1 टेंथ्स मतलब ये 0.1 और 1 वंस, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा, इसीलिए 3 लिखते हैं और सबको प्लस कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये पॉइंट लगा दिए, 0 0 दो टो रख दिए, फिर यहाँ पे इसको 0.03, फिर यहाँ पे 0.1, इधर हम 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और 3, तो 3 हम यहाँ डालेंगे, 3.00 रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
प्लस कर देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 1, और यहाँ पॉइंट, और यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, ये और ये सेम आ गया। अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाने से गड़बड़ नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में हैं, 7B। तो 100s, 2 1s, 200s एंड 3 10s, 100s और 10s ये पॉइंट के बाद है। तो यहाँ पे 10s है, 100s है, और यहाँ पे 100s, 100s, 2 1s, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखने में क्या होता है, गड़बड़ी होने की संभावना होती है बच्चों को। मैं तो लिख सकता हूँ इसमें जो है 102 ऐसे लिखना है, इसका 102 ये हो गया, उसके बाद पॉइंट, टेंथ्स पहले 3 लिखा जाएगा और 200s, तो ये 2 हो गया, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम डिटेल में बनाते हैं, देखिए 100 तो 100 लिख लेते हैं, 100, 2 1s, इसको 2 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आएगा, तो इसको 2 लिख देते हैं, 2 यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट रखते हैं, 2 0 रखते हैं क्योंकि अभी हमें पॉइंट के बाद 2 आगे जाना है यहाँ पे, और 200s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.02, और 3 10s, तो 0.3 ये यहाँ हो जाएगा, हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं, ये हो गया प्लस, इसको प्लस करेंगे, 2 3, और यहाँ पे हो गया 2 0 बीच में, और ये 1, ये हो गया कंप्लीट। ये और ये दोनों सेम है, इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी में हैं, यहाँ पे इसको पहले स्टडी करते हैं क्या बोल रहा है। 200s, 3 10s, 5 1s, 300s, 2 10s एंड 1000th, ये एस है। तो यहाँ पे हम लोगों को 200, 3 10s, 5 1s, यहाँ पे सीधा सीधी मिल रहा है, 1s, 10s, 100s ये मिल रहा है, और यहाँ पे 10th ये हो गया सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये 100s आएगा, उसके बाद 1000s आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, 235.2 10s, 2 3 1, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर होगा। और इसको डिटेल में बनाते हैं, 200s, तो 200 लिखते हैं, 200s, 200 पॉइंट 1 2 3, इधर पॉइंट देने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 200 ही रहेगा। उसके बाद 3 10s, 3 10s का मतलब है 3 3 × 10 = 30, तो ये 30 हो जाएगा, इसको 30 लिखते हैं, 30, और 5 1s, 5 ही रहेगा, तो इसको 5 लिखते हैं, 300s, तो ये 100 में रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा, तो 0.030 लिख सकते हैं, और 2 10s, ये 0.200, और इसके बाद 1000th, मतलब 0.001, इसको करेंगे प्लस, ये हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, ये 2 point, यहाँ पे 5 3, और ये 2 235.231, ये हो गया कंप्लीट इसका आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 7 का, और इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 39, तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर डी, इसमें क्या बोल रहा है, 5 1s, 300s, 2 10s और 1 10s, 100s एंड 4000th, तो होल नंबर में जो आएगा 5 1 हो गया, 5 1s, 300s और 1 10s, तो यहाँ पे 300 और ये हो जाएगा 300, 1 10s, मतलब 1 और ये 5 1s, पॉइंट 10th में ये है 10th, तो ये 2 हो गया, और 100th में ये 1 हो गया, और 1000th में 4, तो ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसको डिटेल में बना सकते हैं, तो डिटेल में बनाने के लिए 5 1, तो ये 5 ले लिए, पॉइंट 0 0 0, 300s, 300s लेने के लिए 300.000, 2 10s, 10s मतलब यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट 0, 1 10s, तो 10s यहाँ पे, 1 10s का मतलब है 1 × 10 = 10, तो ये 10 लिखें, पॉइंट 0 0 0, और 100th इसका मतलब है 100th, तो यहाँ 10th 100, ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ 0 दिए, यहाँ पे 0, यहाँ और यहाँ 0, फिर 4000th 1000th, यहाँ 0 0 0, और इसको करेंगे प्लस, ये प्लस कर दिए, 4, यहाँ पे 1 2 0.5 1 3 315.2
214। ये आंसर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और अगले एक्सरसाइज पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।